नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित राय और स्वागत है आप सभी का इन फोकस सिविल एकेडमी ICA पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इस चैनल पर GS यानी जनरल स्टडीज़ की विभिन्न विषयों की क्लासेस पहले ही आरंभ हो चुकी हैं। उसी क्रम में आज हम जिस विषय को उठाने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, वो है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि न केवल आपके एग्ज़ाम के लिहाज से स्कोरिंग है, बल्कि एक हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा भी है। हम लोग आमतौर पर जब हम लोग देखते होंगे कि अखबारों में या न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स में जो भी चर्चाएं आती हैं, उन सभी में इकोनॉमी जो है वो, उसकी अगर आप अवधारणाओं को समझ रहे होंगे तो उन चर्चाओं को सुनना, समझना या अपने विचार व्यक्त करना ये आसान हो जाता है। इसी तरह से इस सब्जेक्ट की एक उपयोगिता ये भी है, जैसे बाकी जो GS के सब्जेक्ट हैं, हो सकता है उनमें कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हों जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट हो पर आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा वो योगदान ना करें, परंतु ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऐसा है जो कि हमारी लाइफ में भी उसकी बहुत उपयोगिता है, और केवल हमारी ही लाइफ में नहीं बल्कि हमारे देश के भी आगे बढ़ने में उसकी उपयोगिता है। जैसा कि चाणक्य ने भी कहा है कि जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था होती है वो उसके, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो उसकी राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामरिक, ये सभी व्यवस्थाएं अपने आप दुरुस्त हो जाती हैं, क्योंकि जो भी एक आर्थिक रूप से सशक्त व्यक्ति होता है उसकी बात हमेशा सुनी जाती है, उसकी बातों का असर होता है। तो इस तरह से हम लोग अपनी क्लास शुरू करने जा रहे होंगे जिसमें हम लोग न केवल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ रहे होंगे बल्कि एक जो उच्च लेवल की, हम लोगों को हाई लेवल की जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझना ज़रूरी है, उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास अपनी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ एक बातें आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जैसा कि मैंने बायोलॉजी की भी क्लास में कहा था कि बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आप भले ही हिंदी विषय से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हों परंतु कुछ एक टर्म्स जो हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको इंग्लिश में जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछ दिया जाता है वो कई बार डायरेक्ट इंग्लिश का ही वर्जन उसको देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है। जैसे अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी है कि उसको इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्योंकि हो सकता है वो पेपर में सीधा मैक्रो ही लिख दे, हिंदी में ही में ए की मात्रा ऐसे करके वो मैक्रो ही लिख दे देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो एक तो आप लोगों को इंग्लिश जानना ज़रूरी है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर, वैसे तो आप लोगों को NCERT अगर पढ़नी है तो आप 11th 12th की क्लास की NCERT पढ़ सकते हैं, परंतु यहाँ पर मेरी क्लासेस अगर आप कर लेते हैं तो उसमें आपको फिर उसके अतिरिक्त NCERT पढ़ने की वैसे कोई खास आवश्यकता नहीं है, और अगर फिर भी आप लोगों को पढ़ना हो तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तीसरी एक बात ये भी है कि PDF जो आप लोगों को इस क्लास की मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जो कि सामान्यतः क्लास के अगले दिन अपलोड हो, जब क्लास अपलोड होती है उसके अगले दिन PDF डाल दी जाती है। इसके अलावा एक बात मैं और आप लोगों से क्लियर करना चाहूँगा, अंतिम बात, कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनके मन में हमेशा से एक डर भरा होता है कि इकोनॉमिक्स एक टफ सब्जेक्ट है, इसकी हम तैयारी कैसे करें, या तो इसको बाईपास कर दें, मतलब और विषयों पे अपनी पकड़ मजबूत कर लें, इसको छोड़ के ही चले जाएं। तो देखिए, मेरा उनसे ये सजेशन है कि आप इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इसको कहाँ पे छोड़ेंगे। करंट अफेयर्स का एक मेजर पोर्शन वो इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, और इकोनॉमी से ही रिलेटेड आपका बजट वाला पोर्शन है, तो अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप नॉर्मली जो है बाकी चीज़ें भी जो करंट अफेयर्स या अन्य हैं उनको भी समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो उनसे मेरी यही एक दरख्वास्त है कि आप लोग, अगर आप लोगों को इससे डर लगता है तो आप लोग अपने मन से ये डर निकाल दें, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अपनी इस क्लास में बहुत बेसिक लेवल से लेके शुरू कर रहा हूँगा, जिसमें आप लोगों को आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनसे भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अति उत्साहित मुद्रा में ना रहें, क्योंकि जो आप लोगों ने कॉमर्स पढ़ी हुई है, जो इकोनॉमी आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ी हुई है, और चाहे वो 11th 12th में हो या बीकॉम में हो, वो दरअसल यहाँ पर जो इकोनॉमी पूछी जाती है उसका एक बहुत छोटा सा ही हिस्सा है,
यानी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए लगभग 70% सिलेबस आप लोगों के लिए भी नया है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है। और हम लोग जब अपनी क्लास का लेवल लेके चल रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत बेसिक लेवल से ले करके, और हम लोग बजट भी डिस्कस कर रहे होंगे, बजट की भी अवधारणाओं को समझ रहे होंगे, उसके साथ शेयर मार्केट की, बिटकॉइन की, ये सारी आधुनिक अवधारणाओं को भी समझ रहे होंगे, उसकी एक बेहतरीन समझ विकसित कर रहे होंगे। चलिए, तो आज ये पहली क्लास थी, तो कुछ बातें आपसे शेयर करना ज़रूरी था। इसके बाद इन बातों के अलावा अब हम लोग सीधा अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, जो इंडियन इकोनॉमी है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब ये इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था ये हमारी सिलेबस का हिस्सा है। देखिए, ये अर्थव्यवस्था जो है, ये अर्थव्यवस्था क्या है कि ये कहीं ना कहीं जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत होते हैं, एक टर्म है आपका अर्थशास्त्र, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो शास्त्र जहां पे भी लगा होता है, शास्त्र से आप समझ सकते हैं कि ये दरअसल यहां पे कुछ एक प्रिंसिपल्स दिए रहते हैं। प्रिंसिपल्स को हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। तो यानी जो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, यानी जो आर्थिक सिद्धांत होते हैं, वो ही अर्थशास्त्र को बनाते हैं। अर्थशास्त्र में हमारे जितने भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो सिद्धांत होते हैं वो दिए गए रहते हैं, और इन्हीं सिद्धांतों का जो व्यावहारिक रूप में प्रयोग होता है, व्यावहारिक रूप में प्रयोग जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। यानी कि जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आर नोन एज इकोनॉमी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था ये अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों का जो व्यावहारिक रूप में प्रयोग दिखता है वो अर्थव्यवस्था में समझा जाता है। तो जो अर्थव्यवस्था है वो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, या अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो गई, चीनी अर्थव्यवस्था हो गई, ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था, तो ऐसे करके किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें उसके विभिन्न सिद्धांतों का इम्प्लीकेशंस दिखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था को अगर समझना है तो थोड़ा सा हम लोग को नॉलेज ज़रूरी है अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र हम लोग ने समझा कि इसमें विभिन्न सिद्धांत हैं, पर वो क्या हैं, एक्चुअल जो है उसका क्या मतलब है, तो उसको अगर हम लोग डिस्कस करें। देखिए, हमारे जैसे एक जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने इसकी डेफिनेशन इस रूप में बताई है कि जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं कि जो संसाधनों की सीमितता, ठीक है, यानी कमी। जैसे क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी संसाधन होते हैं वो लिमिटेड मात्रा में होते हैं, ठीक है, जो भी संसाधन हैं हमारे पास, चाहे वो हमारे स्तर पे हों या हमारे देश के स्तर पे हों, वो हमेशा लिमिटेड मात्रा में ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों की इच्छाएं जो हैं या फिर जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो संसाधन होते हैं लिमिटेड और जो इच्छाएं होती हैं वो होती हैं असीमित, ठीक है। और ये जो संसाधन होते हैं वो न केवल लिमिटेड होते हैं बल्कि इनके कई एक वैकल्पिक प्रयोग भी रहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी संसाधन है, मान लीजिए हमारे पास 500 रुपये हैं, ठीक है, तो 500 रुपये मेरे पास हैं, उस 500 रुपये से हम चाहें तो अपने लिए किताब भी खरीद सकते हैं, पेन भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद, मतलब ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, या फिर उससे हम लोग मूवी देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग उससे जो है या तो अपने कोई नॉवेल वगैरह खरीद सकते हैं या फिर उसको हम लोग जो है ऐसे ही अपना खाने पीने में उड़ा सकते हैं। तो क्या है कि संसाधन हम लोग के पास लिमिटेड हैं एक तो, और इच्छाएं ज़्यादा हैं, दूसरी बात कि इसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज भी कर सकते हैं संसाधन को। तो और इसी तरीके से सरकार के भी लेवल पे होता है, सरकार के पास भी संसाधन तो लिमिटेड है, मतलब जो जैसे मान लीजिए कोयला है, कोयला लिमिटेड है, उसी प्रकार से जो लकड़ी है वो लिमिटेड है। तो अब ये लकड़ी वगैरह जो लिमिटेड है वो चाहे तो इससे जो है वो मतलब उसको प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकती है या उसको वो कुछ किसी अन्य कारणों से यूज कर सकती है जिससे कि शायद उतनी प्रोडक्टिविटी ना मिले,
तो जैसे मान लीजिए सरकार के पास पैसा है, धन है, धन एक संसाधन है, ठीक है, और अगर जो है मान लीजिए कि ये पैसे को सरकार चाहती है उसको खर्च करना, तो वो चाहे तो उसको जो है रोड्स बनवाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, पोर्ट्स और ये सब, हवाई जहाज, हवाई अड्डे बनवाने में, इन सब में खर्चा कर सकती है पैसा, और या फिर वो उसको जो है साड़ी कंबल और गोल्ड बांटने में खर्चा कर सकती है, जो आमतौर पे फ्रीबीज कहे जाते हैं, या फिर आजकल जो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने उस पर चर्चा शुरू कर दी है तो उसको रेवड़ी संस्कृति भी कहा जा रहा है। तो वो चाहे तो रेवड़ी बांटे उससे, या फिर जो है रोड बनाए। तो इन दोनों विकल्पों के बीच में निर्णय करना बहुत टफ हो जाता है। जैसे हम लोगों के पास संसाधन लिमिटेड है, हम लोगों को टफ हो जाता है इसको निर्णय करना, वैसे ही सरकार के लिए भी टफ हो जाता है। तो ये टफ ना हो, इसके कुछ एक प्रिंसिपल्स जो हैं वो बताए गए हैं, वो ही अर्थशास्त्र में होता है। तो यानी कि अगर कहेंगे कि जो अर्थशास्त्र है उसमें जो दुर्लभ संसाधन है, यानी जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उनका जो विवेकशील प्रबंधन करना, मतलब इंटेलिजेंटली जो है उसको हमें मैनेज करना, उसको हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में दुर्लभ संसाधनों का विवेकशील प्रबंधन होता है, और दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो भी वस्तुएं सेवाएं जरूरी हैं, जो वस्तुएं सेवाएं हैं उनके उत्पादन, वितरण, उपभोग, इनके संबंधी भी अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें अगर देश में कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारी एक छोटी सी कंपनी है, हमारी एक फर्म है, हम लोग कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमारे पास देखिए पैसा लिमिटेड होगा, रिसोर्सेज जो मैन फोर्स है वो लिमिटेड होगी, लेकिन उसी को हम लोग कैसे कहाँ पे खर्चा करें कि वो हमें मैक्सिमम आउटपुट दे जाए। यानी जो अगर हमने मान लीजिए कर्जा लिया है, उससे अपना काम शुरू किया है, तो उसको हम लोग कहाँ पर लगाएं कि वो मैक्सिमम आउटपुट दे जाए, ये समझने के लिए हम लोग अर्थशास्त्र को समझ रहे होते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या वितरण या उपभोग, इसके संबंधी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अर्थशास्त्र का। इसका जो भी नोट्स हैं वो आप लोग चाहें तो साथ में बना सकते हैं, या फिर हम टेलीग्राम पे भी इसको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र का जो है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये जो है दो भागों में किया जाता है, आप लोगों ने सुन भी रखा होगा। एक तो बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, एक बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। इंग्लिश में देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी प्रकार से व्यष्टि में ही जो इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोल देते हैं, जो कि माइक्रो से ही बना है, और इसको वृहद अर्थशास्त्र भी बोल देते हैं। तो इन दो भागों में इसको बांटा जाता है, ठीक है। अब देखिए इन दो भागों में जब बांटा जाता है तो सबसे पहले समझते हैं कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ये क्या है। तो देखिए एक व्यक्ति के स्तर पर, माइक्रो का मतलब एकदम सूक्ष्म, तो यानी एक व्यक्ति के स्तर पर, या एक कोई छोटी सी फर्म है उसके स्तर पर, पार्टनरशिप फर्म है, या फिर कोई कंपनी है उसके स्तर पर, हमें ये समझना कि उसमें जो नीति निर्धारण है वो किस तरीके से हो, मतलब उस हमें अपने बारे में अगर डिसीजन लेना है या अपनी कंपनी के बारे में डिसीजन लेना है, तो वो चीज़ें समझना वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और वो नीति निर्धारण किससे रिलेटेड होगा, तो वो कहीं ना कहीं जो आप वस्तुएं सेवाएं हैं उसका उत्पादन, उपभोग, वितरण, इन सब बारे में ही उसमें अध्ययन कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम ये पेन बनाते हैं तो हम लोग इसको समझ रहे होंगे कि इसका हमें कितना जो है ये प्रोडक्शन हमें करना चाहिए, हमारी क्या टारगेट ऑडियंस है, उनके लिए हमें करना चाहिए, तो ये सभी बातों का अध्ययन जो है वो हम अपने इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अगर देखें तो तीन इसके घटक भी होते हैं, तीन घटक, यानी घटक को बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो तीन घटक जो है वो होते हैं, और उसमें जो सबसे पहला घटक होता है वो होता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। तो इसमें अलग अलग जो है सिद्धांत होते हैं ये आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत होता है,
इसमें दरअसल ये अध्ययन किया जाता है कि उपभोक्ता अगर कोई है तो वो अपने मनी को, अपने रिसोर्सेस को कैसे खर्च करे, तो इस पे अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से एक होता है उत्पादक, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। तो उत्पादक व्यवहार सिद्धांत जो है, इसमें बेसिकली तीन प्रश्न पूछे जाते हैं, तीन प्रश्नों से रिलेटेड इसमें सिद्धांत दिया हुआ है कि जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ प्रोडक्शन करना है किसी चीज़ का, तो सबसे पहले तो इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, के मतलब प्रोड्यूस क्या करना चाहिए, मतलब जो अगर हम उत्पादन किसी चीज़ का करना चाहते हैं तो पहले तो यही समझना चाहिए कि इस लिमिटेड रिसोर्स से हम क्या उत्पादन करें कि हमें मैक्सिमम आउटपुट हो। दूसरी चीज़ हमें ये भी समझनी चाहिए कि जो हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब हमें किस विधि से उसको प्रोड्यूस करना है, और विधि का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हम लोग जो मतलब इसको हम लोग कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, मतलब हम लोग मशीन का ज़्यादा प्रयोग करें या फिर मैन पावर का ज़्यादा प्रयोग करें, लोगों को ज़्यादा काम पर रखें या फिर लोगों का काम भी मशीन से ही ले लें। तो इस तरह की इन दोनों चीज़ों को अभी हम लोग आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये समझिए कि कैसे उसको उसका उत्पादन करना है, उस पर डिस्कस किया जाता है। इसी प्रकार से एक तीसरा प्रश्न कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना। तो अगर हम लोग कोई भी उत्पादन शुरू करना चाहते हैं तो हमारी टारगेट जो कस्टमर्स हैं वो क्या होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो केवल और केवल वो हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर हम किसी और को जाके, अमेरिका में जाके हम ये कोर्स बेचेंगे तो वहाँ पर कोई नहीं लेगा। तो ये सारी बातें हमें पहले ही से अध्ययन करनी ज़रूरी हो जाती हैं। उसके बाद हमें ये भी अध्ययन करना ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स का बेसिकली क्रेज़ जो है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, तो अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अपीलिंग होगा, हमारी क्लास में ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा। तो इस तरह की तमाम बातें जो है वो हमारे जो है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत में आती हैं। देखिए, यहीं से हम आपको बता रहे हैं कि ये जो शास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स है, इसमें जो भी सिद्धांत दिए हुए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ये ऐसे हैं कि केवल हम लोग पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें जो है बस सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए पढ़ रहे हैं, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। इससे हम लोग जब भी कभी कल को कोई बिजनेस या काम शुरू करते हैं तो उसमें भी हम लोगों को इसकी एक समझ विकसित होगी, ठीक है। तीसरा इसमें जो आता है वो आता है कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत बोलते हैं कि प्राइस रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स होता है, इसी प्रकार से इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रिंसिपल और ये है कंज्यूमर बिहेवियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये जो कीमत सिद्धांत होता है, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट है उसका हम लोग क्या जो है प्राइस रखें जिससे कि उसमें ना तो हमें घाटा हो, ना जो है बहुत मतलब एक्सेस वाला ऐसा फ़ायदा हो जाए कि लोग उसको खरीदें ही ना, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें जो प्राइस रखा जाता है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से रखा जाता है कि मतलब उसकी कितनी डिमांड है। अगर डिमांड मान लीजिए ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। तो इन सभी बातों का, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम लोग जो है डिस्कस करते हैं इसमें कीमत सिद्धांत में। तो ये बेसिकली तीन सिद्धांत होते हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखें कि समष्टि अर्थशास्त्र, तो समष्टि मतलब समाहित, सबको समाहित करता हुआ, तो ये जो है, और मैक्रो का मतलब वृहद स्तर पर। तो वृहद स्तर पर जब भी कभी हम लोग अर्थव्यवस्था के मुद्दों का अध्ययन कर रहे होते हैं, मतलब जो एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसके जब हम लोग मुद्दों का, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन कर रहे होते हैं तो वो आता है समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। अब समष्टि मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था संबंधी मुद्दे, जैसे कि आप देखते होंगे किसी देश की मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसमें महंगाई का मुद्दा हो गया, मुद्रास्फीति, इसी प्रकार से वहाँ का जो बजट आता है बजट को अध्ययन करना, या फिर जैसे वहाँ पर जो भी फिस्कल या फिस्कल पॉलिसीज होती हैं यानी राजकोषीय नीतियाँ हो गई, ठीक है, उसको जब भी हम लोग ऐसा डिस्कस करते हैं, या फिर राष्ट्रीय आय संबंधी जो भी नीतियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या जैसे अगर हमें उस देश से गरीबी बेरोजगारी ये सब चीज़ें हटानी है, तो इन सभी बातों का जब हम लोग अध्ययन कर रहे होते हैं किसी देश के लेवल पर या राज्य के लेवल पर, तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये गरीबी के निवारण के उपाय क्या किए जाने चाहिए, बेरोजगारी के क्या करने चाहिए, तो ये सब देखिए ये हमारे अर्थशास्त्र का ही हिस्सा है।
और जब हम लोग इन्हीं दोनों को, आप समझिए कि इन्हीं दोनों से हमारा इकोनॉमी का पोर्शन तैयार होता है, जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग न केवल उसमें हम लोग जो है इसके कीमत सिद्धांत ये सब का अध्ययन कर रहे होते हैं, बल्कि साथ में हम लोग ये भी समझ रहे होते हैं कि गरीबी या जो देश के स्तर पर प्लानिंग है वो किस तरह से की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद देखिए कि इसको हम लोग जो इसमें ये सिद्धांत इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कई बार व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही कीमत सिद्धांत का अर्थशास्त्र भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो इसका एक दूसरा नाम अगर कहें तो कीमत सिद्धांत का भी अर्थशास्त्र इसको कह दिया जाता है। इसी प्रकार से जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसको आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कह दिया जाता है, क्योंकि ये बेसिकली इन्हीं मुद्दों से सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है, सबसे ज़्यादा रिलेटेड इन्हीं मुद्दों से होता है कि इसमें रोजगार पर अध्ययन किया जाता है और साथ ही आय पर अध्ययन किया जाता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है वो किसी भी देश में जैसे जब इन जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वो एक अर्थव्यवस्था का पार्ट हो जाता है। ठीक है, और जैसे कि हमने एग्जांपल बताया कि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थशास्त्र नहीं होता है, इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी देशों में समान रूप से लागू होते हैं क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो विचार हैं, लेकिन जब हम लोग इकोनॉमिक बात करते हैं तो वो अपने अलग अलग देश की अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार देखें कि अर्थव्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था में देश की जो समस्त आर्थिक क्रियाएँ हैं उनके रूप में भी इसको परिभाषित किया जाता है। अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, तो देखिए आर्थिक क्रियाएं जो भी हैं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी अध्ययन हम लोग इसमें इकोनॉमी में करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो जिन भी एक्टिविटीज से मानो के ऐसे कार्यकलाप जिनसे कि आय का सृजन हो रहा हो उसको हम लोग, यानी इनकम जनरेशन हो रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रियाएं, या और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक्स में। अब देखिए कि ये आर्थिक क्रियाएं जो हैं, आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, इसका भी क्लासिफिकेशन हम लोग तीन सेक्टर में करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन हम लोग बेसिकली तीन सेक्टर या क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, इसका वर्गीकरण हम लोग तीन क्षेत्र में करते हैं। जैसे पहला तो ये आपका, आपने पढ़ा ही होगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। लेकिन आजकल इसको दो क्षेत्र इसमें और जोड़ दिए जा रहे हैं, चतुर्थक क्षेत्र और पंचक क्षेत्र, वो हम लोग समझेंगे कि क्या है। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये जो तीन सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए आप लोगों क्लासेस जो है आज यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम लोग इन सेक्टर्स को पढ़ रहे होंगे, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर है, या क्वार्टरनरी सेक्टर और क्वाइनरी सेक्टर, उसको हम लोग समझ रहे होंगे। हालांकि इसको मेन पार्ट नहीं माना जाता है, ये जो है अलग से हिस्सा जोड़ दिया गया है, जो आजकल कुछ एक टर्म्स पॉपुलर हुई हैं, मगर ये जो है तीन ही मेन माने जाते हैं। बल्कि पेट परीक्षा का जो पिछली बार का एक पेट परीक्षा का एक पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि जो तृतीय क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, उसको क्या कहते हैं, तो उद्योग क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो ये जो है ऐसा एक प्रश्न भी आया था। ठीक है, तो आज हम लोग इसको अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कुछ कारणों से मुझे कहीं अभी आवश्यक काम आ गया है, बाकी अगले क्लास में हम लोग सेक्टर्स को पढ़ रहे होंगे और उसके बाद इकोनॉमिक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग जानने की कोशिश कर रहे होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।